ये अंबिकावन ये मथुरा में आता है। ब्रज में 12 वन और 12 उपवन हैं, तो ये महाविद्या अंबिकावन है। इधर महाविद्या का मंदिर है, बीच में सरस्वती माँ का मंदिर है और उसके आगे चंडी माँ का मंदिर है। तो वनों का बहुत ही महत्व है। इस समय नवरात्रि चल रही हैं और ये महाविद्या का वन है, तो महाविद्या का यहाँ पूजन किया जाता है। हम लोग चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, अनाद से चले आ रहे हैं, तो पहले से ही महाविद्या की उपासना करते थे। जब कृष्ण का आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ मथुरा में, तो उन्होंने भी योग माया का सहारा लिया है। वो योग माया यहाँ पर पहले से ही विद्यमान थी। तो उस समय कंस को जब जन्म हुआ कंस का, तो कंस का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना था, तो उन्होंने योग माया की उपासना की है। तो योग माया को आदेश दिया है कि जाओ आप ब्रज में, पहले मेरा भाई होने वाला है बलराम, उसको बदल दो। तो उन्होंने रोहिणी के गर्भ में उसका बदलाव कर दिया है, तो देवकी का गर्भ छठवां गर्भ नष्ट हो गया है। उसके बाद में अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आने वाले थे, तो उस समय नंद बाबा के घर में यशोदा जी के यहाँ योग माया का जन्म हुआ है। उसको यहाँ से भगवान श्री कृष्ण को तो गोकुल ले गए हैं और यहाँ से जाकर के उधर गोकुल को छोड़ दिया है। तो सबसे पहले मिलान जो हुआ है कात्यायनी का हुआ है। कात्यायनी नाम यमुना देवी का है। कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुर्ते नमः। माघ के महीना में, अगहन महीना में यहाँ पर कुमार का व्रत करती थी कृष्ण को वरण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। तो ये मैंने आपको श्रीमद् भागवत से कात्यायनी का मंत्र पढ़ाया। तो जिस समय भगवान को वसुदेव जी ले जाती हैं, उस समय यमुना जी ऊपर उठती हैं और पानी भरता है, तो वसुदेव जी घबरा जाते हैं, कहते हैं कि कोई बच्चा लो, मेरे बच्चे को कोई लो, कोई लो। तो सामने गांव कोयलो पड़ जाता है, कोयला गांव आज भी है। तो भगवान समझ जाते हैं, भगवान अपने दोनों चरणों को भार लटका देते हैं कि ये यमुना जी मेरे को चरण स्पर्श करे बिना जाएंगी नहीं, नहीं। तो भगवान ने दोनों चरण लटका दिए। यमुना जी ने चरण स्पर्श करने के बाद में यमुना जी नीचे उतर गई है और वसुदेव जी को मार्ग दे दिया है। क्यों दे दिया? कि राम अवतार में उनको मालूम थी कि अगर रास्ता नहीं दिया तो समुद्र के लिए उन्होंने जो धनुष बाण उठा लिया था, बिना इन मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भयविन हो न प्रीत। तो उस समय जब समुद्र को सुखाने का प्रयास किया गया और समुद्र घबरा के आया, तो इस समय मेरे पुलन पे भगवान रासलीला करने वाले हैं, तो मुझे तो रास्ता दे ही देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण के पास में जो 6 ऐश्वर्य थे, तो भगवान को मार्ग यमुना जी ने दे दिया कि अगर भगवान रूठ गए तो मेरे पुलिन पर ये कैसे जो लीला करेंगे। तो झट से उन्होंने रास्ता दे देना है। वसुदेव जी नंद गोकुल में जाकर के भगवान श्री कृष्ण को तो सुला दिया, और जो योग माया को यहाँ पर ले आए हैं, तो वही योग माया को कंस को जब मालूम पड़ता है कि इनका प्रादुर्भाव हो गया, तो वो आते हैं और कंस जो शिला पर फेंकता है, तो वही योग माया आकाशवाणी होती है, अरे कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरे मानने वाला कहीं प्रकट हो गया है, और आकाश में चली जाती है। तो वो यही महाविद्या योग माया है। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तो ये माया भगवान श्री कृष्ण की भेजी हुई है, उन्होंने कही है कि जाओ पृथ्वी पर मेरे ये सभी काम करो, तो कलयुग में जो भी तुम्हारी उपासना करेगा उसके किसी प्रकार के भी रोग होंगे, धोंग होंगे, किसी प्रकार के कष्ट होंगे, शारीरिक कष्ट होंगे, अर्थ की व्यवस्था जिस पे नहीं होगी, यानी जो कुछ भी कष्ट होंगे, प्रॉब्लम होंगे, वो सब आपके पूजन से दूर होंगे। इसलिए
इस समय नवरात्रि के दिन चलते हैं, इस समय शारदीय नवरात्रि का समय है, तो नव दुर्गा प्रकीर्ति तथा नौ देवी हैं, उनका पूजन किया जाता है। तो प्रथमम शैल पुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इस प्रकार जो नव दुर्गा प्रकीर्ति था, इस समय आज जो छठवां दिन है वो कात्यायनी का है, जो कि ब्रज की गोपियों ने आराधना उनकी किया है। तो उसका मंत्र पुनः मैं आपको दोहराता हूँ, ये मंत्र सिद्ध मंत्र है। अगर कोई भी कार्य रुके हो और कुमारिकाओं की किसी की शादी न होती हो तो इस मंत्र का जाप करने से भगवान कृष्ण की जब प्राप्ति हो सकती है तो सुंदर वर उसको मिल जाता है। तो वो भागवत का मंत्र है, कात्यायनी महामाये महायोगिन अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरते नमा। इस मंत्र के जाप से श्री कृष्ण जैसा वर मिल जाता है और सभी मना अभिलाष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो इस समय मैं जो इस समय आराधना कर रहा हूँ, इस समय जो आराधना का कायम है कि कोरोना रोग चल रहा है और भारत में बहुत कष्ट पड़ रहे हैं, तो मैं इसीलिए प्रार्थना करता हूँ कि इस समय भाई जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे गृह मंत्री हैं जिनको पीड़ा हो रही है, हम सभी को पीड़ा हो रही है, तो हे माँ हम आपकी प्रार्थना करते हैं कि इस पीड़ा को दूर करो और अच्छे दिन लेकर के आओ। इसी प्रार्थना के साथ मैं माँ भगवती, मैं माँ बंगलामुखी, मैं महाविद्या जी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मथुरा से पुरुषोत्तम लाल चतुर्वेदी, मैं वैसे अमित शाह का तीर्थ पुरोहित गुरु भी हूँ और सबकी शुभकामना मनाता हूँ। भगवान सबको सुखी रखे माँ। और अब जो बहुत दिन कष्ट के हो गए पिछली नवरात्रि से, ये नवरात्रि आ गई, अब सबको सुख शांति धीरे धीरे प्रदान हो, इसी आशाओं के साथ में भगवती को पुनः प्रणाम करते हुए और आपको आने के आपने कष्ट किया भैया आपको भी धन्यवाद प्रदान करता हूँ। आप ऐसे आगे बढ़ो, जय श्री माई की जबोलटा, आपका आशीर्वाद है पंडित जी, बस जय श्री राधे। तो भाइयों कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों इस तरह की धार्मिक वीडियो हम बनाते रहते हैं, इसी तरह के ब्रज के दर्शन हम अपने इस चैनल ब्रज आस्था के माध्यम से कराते रहते हैं। तो दोस्तों आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल ब्रज आस्था को सब्सक्राइब करें तथा हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे और लोग भी दर्शनों का लाभ ले पाए। चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।